ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए आज हम मार्च के महीने में जो शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़ती है, एकादशी का चर्चा करेंगे। एकादशी कब है और एकादशी में किस तरह व्रत करना चाहिए और किस तरह पूजा करना चाहिए। तो एकादशी जो होती है, हर महीने में दो एकादशी आती है, एक पड़ता है कृष्ण पक्ष। तो पहले जो पड़ती है शुरू में ही महीने के, वो पहले कृष्ण पक्ष का पड़ेगा, फिर आएगा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को बोलते हैं अंधेरा और शुक्ल पक्ष को बोलते हैं उजाला। तो हर महीने में दो एकादशी आएगी, एक अंधेरे का, एक उजाला का, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। तो इस बार हम लोग बात कर रहे हैं शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि मार्च के महीने में आएगी। एकादशी के दिन आप लोग सुबह स्नान ध्यान करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके, धारण करके आप लोग भगवान नारायण का स्मरण करें, भगवान नारायण का पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें। घर के मंदिर में एक ज्योत जला लें, धूप बत्ती जला लें, कुछ भोग का पदार्थ रख लें, जैसे कि आप भोग में मिश्री भी रख सकते हैं, लड्डू भी रख सकते हैं, फल भी रख सकते हैं, दूध भी मीठा करके भगवान को भोग लगा सकते हैं, फल भी रख सकते हैं। इस प्रकार से आप तैयारी कर लेंगे पूजा का। फिर आप लोग भगवान का ध्यान करें, स्नान करें, भगवान को स्नान करा दें जल से, गंगा जल उसमें डाल करके वस्त्र पहना दें, भगवान को टीका चंदन से सुसज्जित कर दें, पुष्पमाला से सुसज्जित करके भगवान को धूप दीप दिखाएं, भोग लगा दें। उसके बाद एकादशी का कथा करना चाहिए, जो एकादशी है उसी एकादशी का उस दिन कथा करना चाहिए। जैसे इस बार जो आएगा आमला एकादशी आएगा, तो आमला एकादशी का आप लोग भगवान विष्णु के सामने बैठ करके कथा करें, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। अब इस बार जो एकादशी है 25 मार्च दिन गुरुवार, देखिए एक तो एकादशी भगवान विष्णु का होता है और दूसरा जो बृहस्पतिवार गुरुवार होता है वो भगवान विष्णु का दिन है। तो दो दो योग ऐसे बन गया जो बृहस्पति देव का है, भगवान विष्णु का है, एक तो गुरुवार दूसरा एकादशी, वो भी आमला एकादशी, बहुत बड़ी एकादशी होती है। तो इस दिन आप लोग भगवान का पूजा सच्चे मन से श्रद्धा के साथ करेंगे तो बहुत ही अधिक फल आप लोगों को प्राप्त होगा। 25 मार्च को आप लोग एकादशी का व्रत रखें। जो गृहस्थ आश्रम वाले हैं वो 25 तारीख को रखेंगे, जो साधु संत वैष्णव संप्रदायिक लोग हैं वो लोग 26 तारीख को व्रत रखेंगे। जो व्रत आता है वो भी दो व्रत आता है, एक आता है जो गृहस्थ आश्रम उनके लिए, दूसरा जो आता है वैष्णव के लिए। तो पहले आता है गृहस्थ आश्रम के लिए, दूसरा साधु संत वैष्णव संप्रदाय के लिए, उसको बोलते हैं वैष्णव। तो एक गृहस्थ आश्रम का आता है और एक आता है वैष्णव आश्रम, तो दोनों लोगों का इस प्रकार से हर व्रत आता है। तो आप लोगों को बता दिया हूँ किस प्रकार से उनका पूजन करें और कथा करें और किस दिन एकादशी का व्रत है। और एकादशी का व्रत आप लोग मीठे से करें। अगर आपको लगता है कुछ स्वास्थ्य में ऐसा दिक्कत है, उस परिस्थिति में आप लोग जो व्रत वाली नमक होती है सेंधा नमक, उसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो कोशिश करेंगे मीठे से व्रत करें तो और अच्छा होता है, इसलिए भगवान विष्णु का ये मीठे से व्रत किया जाता है। अगर आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तभी नमक का सहारा लेना है। तो आइए, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। अगर आपको कुछ भी जानकारी लेना हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। जो लोग बात करके फ़ोन करना चाहते हैं वो लोग नीचे लिखे गए नंबर पर बात कर सकते हैं, जो भी जानकारी लेना है आप लोग लिख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो से विदा लेते हैं, फिर अगली वीडियो एक इसी तरह का जल्दी लेकर के आपके सामने आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।